हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग प्लस। सो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा वीकली एक्सपायरी था, तो मैं आज से आपके साथ शेयर करूंगी कि इस पूरे वीक में हमने कौन कौन सा ट्रेड किया, क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहा, आज एक्सपायरी डेट था तो उसमें क्या प्रॉफिट एंड लॉस था, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपने शेयर करनी, यू नो टुडे इज़ माई बर्थडे, टुडे आई टर्न 29 एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स, सम गुड थिंग्स विथ यू ऑन इंस्टाग्राम। तो आज मैं 8 PM इंस्टाग्राम पे लाइव करूँगा और आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगा, कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। और कुछ भी आपका डाउट रहता है, कुछ भी आप ट्रेडिंग से रिलेटेड या ट्रेडिंग में किस तरह से करियर बना सकते हैं, आपके जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं, वो लाइव सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज 8 PM पे स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा देर का नहीं होगा, 10-15-20 मिनट का ही होगा। तो जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी कुछ भी है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करें आज के दिन, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, पूरे हफ्ते में हमने क्या क्या ट्रेड किया, क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज डिस्कस करता हूँ। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। तो मैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आज का मार्केट एक्चुअली बहुत टफ मार्केट था। एक ये आज की एक्सपायरी काफ़ी टफ एक्सपायरी थी। दो हमने निफ्टी में ट्रेड नहीं किया, हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया। तो मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक परफेक्ट एन शेप मार्केट ने आज बनाया, इवन एन शेप से भी ज़्यादा वर्स्ट मार्केट रहा। आप यहाँ पे देखिए तो मार्केट पहली 5 मिनट की कैंडल में ही एक अच्छा खासा लो लगाया मार्केट ने, ऑलमोस्ट 39,300 तक मार्केट ने टच किया। उसके ऊपर मार्केट फिर एक रैली स्टार्ट की, मार्केट ने एक रैली स्टार्ट की और फिर 39,620-680 के आसपास मार्केट गया। फिर से मार्केट में डाउनफॉल आया और अगेन मार्केट 39,300 पे आ गया। उसके बाद फिर से मार्केट में रिकवरी आई और 39,700 तक पहुंच गया, 700 को भी टच कर दिया और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 39,650 के आसपास हुई। तो ये एक बहुत टफ एक्सपायरी थी। तो मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, बट इवन फॉर मी इट वॉज अ वन ऑफ द टफेस्ट एक्सपायरी, राइट। तो अभी इस पूरे वीक के जितने भी ट्रेड मैंने किए हैं वो सारे ट्रेड आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फॉर्चुनेटली इस वीक में कोई भी ट्रेड मेरा लॉस में नहीं गया, कुछ ट्रेड में कम प्रॉफिट हुआ, कुछ ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे ये मैं ITC का ट्रेड जो मैंने कल आपको दिखाया था, ये वाले ट्रेड को ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक मैं डिफरेंट अकाउंट में लेता हूँ। जो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये वाला अकाउंट 80 लाख रुपीज़ का अकाउंट है, तो ये सारे ट्रेड मैंने इस अकाउंट में लिए, तो मैं आपको सारे ट्रेड इसी अकाउंट के शेयर करूँगा। तो ये अकाउंट में मैंने, आप देखेंगे तो ये आज मैंने कैलेंडर किया था, ये आज की एक्सपायरी का। आप यहाँ पे देखिए जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो ये यहाँ पे लाइव सेशन में, जब भी मैं कोई, क्योंकि ये सारे ट्रेड मैं लाइव सेशन में लेता हूँ, तो लाइव सेशन में जो भी ट्रेड लेता हूँ मैं सेव कर देता हूँ उसको, सो दैट कि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूँ यूट्यूब की वीडियो में। तो मैंने एक कैलेंडर बनाया था, फिर मार्केट में आप देखेंगे यहाँ पे एक डाउनफॉल जब आने लगा, मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर एक डाउनफॉल आने लगा, तो फिर मैंने एक और कैलेंडर बनाया 39,300 का, सो दैट कि मुझे एक बड़ी रेंज मिल सके। और मार्केट में जब मुझे एक बड़ी रेंज मिली तो उसके बाद जब मार्केट रिकवर करने लगा, एवन इस पॉइंट पे मुझे थोड़ा लॉस भी हो रहा था इस ट्रेड में, इस पर्टिकुलर ट्रेड में थोड़ा लॉस भी हो रहा था, बट उसके बाद जब मार्केट रिकवर करने लगा तो मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो गया था। बट इस ट्रेड में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आई कि थीटा डीके तो हुआ, बट जो हमारा ऑप्शन सेल था उसमें थीटा डीके तो हुआ, साथ में जो हमारा ऑप्शन बाय था उसमें भी थीटा डीके हुआ, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट आज के दिन नहीं हुआ इस पर्टिकुलर ट्रेड में, इस पर्टिकुलर कैलेंडर के ट्रेड में। ये ट्रेड मैंने 20 लॉट्स में किया था, 20 लॉट्स मीन्स कि अराउंड मेरे 10 लाख रुपीज़ के आसपास इस पर्टिकुलर ट्रेड में डिप्लॉय हुए थे और 9,000 समथिंग का मेरा प्रॉफिट हुआ है, सो विच इज़ समवेयर अराउंड 4.5% रिटर्न फॉर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रेड। इसके अलावा ये देखिए आज मैंने दो एक्सपायरी डेट ट्रेड किए थे, ये दूसरा ट्रेड है जिसमें मैंने स्ट्रैडल बनाया हुआ था 39,600 का। ये स्ट्रैटेजी जो मेंटरशिप के बैच के मेंबर्स हैं उनके साथ मैंने शेयर किया हुआ है। इसमें क्या ट्रेड हमने किया है, ये 39,600 पर हमने स्ट्रैडल बनाया था, उसके बाद हमने एक दो एडजस्टमेंट किया हुआ, जैसे हमारे प्रीमियम मिसमैच हो रहे थे तो हमने अपने एडजस्टमेंट किए। बेसिकली हमने इस ट्रेड में डेल्टा को मैनेज किया हुआ है और अपनी रेंज को बड़ा रखने की कोशिश की है, सो दैट कि
डे एंड में हम अपने ग्रीन जोन के रहें और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो ये ट्रेड भी हमने अराउंड 19,000 रुपीज़ समथिंग में क्लोज किया। आप यहाँ पे देखेंगे ये ट्रेड भी मैंने 20 लॉट्स में किया हुआ है। इस ट्रेड में जो टोटल कैपिटल मार्जिन यूज हुआ है वो अराउंड 30 लाख के आसपास हुआ है। 30 लाख के आसपास इस पूरे ट्रेड में यूज हुआ है। 32-33 लाख रुपीज़ एक्चुअली यूज हुए हैं। तो ये पूरे ट्रेड में 33 लाख समथिंग का यूज हुआ है, जहाँ पे कुछ 90,000 रुपीज़ प्रॉफिट बना है। ये ट्रेड है, ये ट्रेड तो मैंने कल ही आपके साथ शेयर किया था। ये वेंसडे का ट्रेड है जो मैंने स्ट्रैडल बनाया था, और स्ट्रैडल को हमें मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मार्केट थ्रू आउट द डे साइडवेज ही रहा, तो मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये हमारा वीकली ट्रेड चल रहा है। ये ट्रेड मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ था। इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे 1900 रुपीज़ पर लॉट के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। ये ट्रेड अगर आप देखें तो मैंने 80 लॉट्स में किया हुआ था। इस पूरे ट्रेड में मेरा कुछ 70 लाख रुपीज़ के आसपास डिप्लॉय हुआ था, इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट। और जब मैंने आज मॉर्निंग में ये ट्रेड क्लोज किया तो मेरे पास पूरा मार्जिन फ्री हो गया था। तो मैंने ये वाले ट्रेड को और ये वाले ट्रेड को उसी मार्जिन से किया। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में अगर आप देखेंगे तो मुझे एक ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है, 1.5 लाख समथिंग का प्रॉफिट हुआ है इस पूरे एक ट्रेड में। और इस ट्रेड को हमने फ्राइडे को डिप्लॉय किया था। फ्राइडे को ये ट्रेड की सारी अपडेट मैंने टेलीग्राम पे डाली थी और इसका सारा एडजस्टमेंट भी मैंने टेलीग्राम पे डाला था। सो आई होप कि इस वीक में आपने कुछ अच्छा कमाया होगा, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। तो मैं अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर दूँ कि इस वीक पूरे वीक में हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, ऑफकोर्स थोड़ी ब्रोकरेज भी गई होगी, मैं थोड़ी ब्रोकरेज भी डिडक्ट कर दूंगा। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे 9,500 में ऐड कर लेता हूँ, प्लस यहाँ पे मैं 19,000 ऐड कर लेता हूँ, प्लस यहाँ पे मैं 17,000 ऐड कर लेता हूँ, प्लस इस पर्टिकुलर ट्रेड में 1.5 लाख रुपीज़, 1.53 है ना, तो 1.53, ठीक है। तो ये पूरे वीक में मुझे 1.9 लाख समथिंग का प्रॉफिट हुआ। ये 8,000 रुपीज़ समथिंग में ब्रोकरेज भी हटा देता हूँ क्योंकि हमारे एक दो एडजस्टमेंट भी हुए, तो उसमें कुछ ब्रोकरेज भी गए होगी। इस ट्रेड में तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ, कुछ ब्रोकर दो मैं थोड़ा ज़्यादा ही हटा रहा हूँ, बट स्टिल मुझे 1.9 लाख समथिंग का प्रॉफिट हुआ है ऑन द कैपिटल ऑफ 80 लाख रुपीज़। सो फॉर मी ये वीक मेरे लिए एक अच्छा वीक था, ठीक ठाक था। 2% का टारगेट मैं करता हूँ कि एटलीस्ट हर वीक में 2% का रिटर्न कमाऊँ, 2% 2.5% का रिटर्न, और ये ऑलमोस्ट मेरे टारगेट के आसपास है। तो मेरे लिए ठीक अच्छा वीक था। अभी जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा, जो कि अगस्त मंथ का लास्ट वीक है हमारा और ये लास्ट एक्सपायरी होगी, तो उस वीक में क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगा, क्या ट्रेड करेंगे हम, ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम पे। तो अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे कल हम लोग फ्राइडे को ट्रेड लेंगे अराउंड 3 o'clock, मैं टेलीग्राम पे ट्रेड अपडेट करूंगा, तो आप वो ट्रेड को ले सकते हैं, राइट। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि लास्ट एक्सपायरी में मेरा क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा। तो लास्ट एक्सपायरी में मैं ट्रेवल कर रहा था और मैं अवेलेबल नहीं था, तो लास्ट एक्सपायरी में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया। तो उस वीक में मेरे से दो ही ट्रेड थे, एक आपका कैलेंडर ट्रेड जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, और उसके अलावा मैंने एक वेंसडे का ट्रेड लिया था। बस दो ही ट्रेड लिए थे। तो उस ट्रेड की भी सारी डिटेल्स मैं एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो लोग भी लास्ट वीक का ट्रेड पूछ रहे थे कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं जरूर से आंसर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये हमेशा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो में भी कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इस चैनल के थ्रू आपको सीख सकते हैं, हम आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं, ट्रेडिंग जर्नी को ईजी बना सकते हैं, प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।